Hello everyone, welcome back to Mathematics classes. So we are continuing the series of Indian states. Indian states की इस series में हमने बहुत सारे state कर लिए हैं. आज हम कौन से state को करेंगे? गुजरात को. Got it? किस कौन से state को करेंगे हम? गुजरात को. So यहाँ पे locate करता है हमारे India में, ठीक है? So, कुछ important facts जान लेते हैं गुजरात के बारे में. जैसे कि formation हुई थी first में 1960 को. Capital है गांधीनगर. Largest city है अहमदाबाद. और district कितने हैं? 33. अगर बात करें वहाँ पे गवर्नमेंट की, तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी जो कि बीजेपी के हैं, लेजिस्लेचर में सीट है 182, फेडरल रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26. नेक्स्ट, तो अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो गुजरात हाई कोर्ट एरिया वाइज 5th रैंक पे आता है और पॉपुलेशन वाइज 9th रैंक पे आता है. इफ़ वी टॉक अबाउट स्टेट सिंबल ऑफ गुजरात, गुजरात के कुछ स्टेट सिंबल, राष्ट्रीय चिन्ह ऑफ गुजरात, उसमें लैंग्वेज है गुजराती, सॉन्ग है जय जय गर्वे गुजरात बाय नर्मद, कैलेंडर है साका, मैमल है एशियाटिक लॉयन, बर्ड ग्रेटर फ्लेमिंगो, फ्लावर है मैरीगोल्ड, मैंगो फ्रूट है, ट्री कौन सा है? बेनियान. अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ गुजरात, ठीक है? सो हम रिवर पे बात करेंगे और रिवर पे कौन सा डैम है वो बात करेंगे. नर्मदा रिवर, डैम कौन सा है? सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम, दो डैम है. साबरमती रिवर पे है कौन सा डैम? दरोही डैम, ठीक है? देन आता है माही रिवर, वहां पे है बंसवारा डैम, कंदाना डैम और वाना कोबरी डैम. देन आता है ताप्ती रिवर जिसपे कोई डैम नहीं है. नेक्स्ट है दमन गंगा रिवर, उसके बाद है सेतरुंजी रिवर जिसपे है पालीटाना डैम, फिर है ओजात रिवर, फिर है पूर्णा रिवर, अब है बानस रिवर और अजी रिवर. अब रिवर्स हम मैप पे देखते हैं. देखो मैप पे बात करें हम रिवर्स की, तो यहाँ पे नीचे से आता है, एक बार मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे. ये यह देखो यहाँ से है, यहाँ से रिवर, तो जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है यहाँ पे वो है दमन गंगा, पर रिवर, अरु गंगा, कावेरी, अंबिका रिवर, मिंधोला, तापी रिवर, ठीक है? सो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है यहाँ की, ठीक है? सो ये देख लो एक बार. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है? चेलो रिवर, कालूबर रिवर, लिमिंदो रिवर, ठीक है? साबरमती रिवर, वत्रक रिवर, ठीक है? बाकी एक बार ये देख लो, लोकेशंस देख लो यहाँ पे, वडोदरा, यहाँ पे खेड़ा, ठीक है? ये राजकोट, जूनागढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है? सो इस पिक्चर से हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. सबसे पहले हम चीज़ें पढ़ेंगे गुजरात में हिल स्टेशंस कौन से हैं. सो पहला हिल स्टेशन है अंबाजी, फिर यहाँ पे आता है तरंगा, फिर आता है पावागढ़ यहाँ पे, फिर आता है गिमर और ये होता है बर्दा. सो ये इंपॉर्टेंट क्या है? हिल स्टेशंस. अगर बात करें इंपॉर्टेंट बीच रिजॉर्ट की, तो इंपॉर्टेंट बीच रिजॉर्ट आते हैं माधवपुर, ठीक है, और चाउवर्ड, और यहाँ पे है हजीरा, और यहाँ पे है दांती. सो ये इंपॉर्टेंट वो है बीच रिजॉर्ट्स, ठीक है? सो बात करते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की. सासनगिर, बर्दा, हिंग, यहाँ पे देखो हिंगाल गंचा यहाँ पे भी है, और रतन महल और वंसदा. नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें धार्मिक स्थानों की, पिलग्रिमेज प्लेसेस की, सो उसमें आ जाता है ये गिरमर आ जाता है, जूनागढ़ आ जाता है, गोंदल आ जाता है, गाहदा आ जाता है, ठीक है, और मालसर आ जाता है यहाँ पे, पावगढ़ भी आ जाता है, दाकोर भी आ जाता है, नावलाखी. सो ये इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, ठीक है? और अगर बात करें हम अदर टूरिज्म प्लेसेस जो कि गुजरात में हैं, सो उसमें हम काउंट कर सकते हैं जामनगर को, लिमडी में, चोटीला, और अहमदाबाद, अहमदाबाद कैपिटल आपको पता है, ठीक है? सो ये इंपॉर्टेंट क्या है वहाँ पे? बेसन, ये क्या है? इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स है वहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे अरेबियन सी लगता है गुजरात के, और यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है यहाँ पे गुजरात में, ठीक है? गुजरात से गुजरात में यहाँ पे. नेक्स्ट, तो अगर बात करें नेशनल पार्क की, सो तो गिर नेशनल पार्क, वेलवेदार, ब्लैकबक नेशनल पार्क, और यहाँ पे है एक वंसदा नेशनल पार्क, ठीक है? और अपनी बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करता है ये? ये करता है पाकिस्तान के साथ, राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, महाराष्ट्र के साथ, ठीक है? इन सब के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है ये. और कैपिटल, कैपिटल है गांधीनगर गुजरात की. मैंने पीछे गलती से अहमदाबाद बोल दिया था, उसके लिए सॉरी. एक बार फिर आपको नेशनल पार्क रिवाइज कराता हूँ.
यहाँ पे है मेरिन बारदा नेशनल पार्क, यहाँ पे है गिर नेशनल पार्क, यहाँ वेलवेदा नेशनल पार्क और यहाँ पे है बंसदा नेशनल पार्क। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है गुजरात में, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी है, मेरीन यहाँ पे है, यह है खिजादिया, यह है हिंगोलगढ़, ठीक है, यह है चिंकारा नारायण सरोवर, यह है कच्छ डेजर्ट, ठीक है, दारगंद्रा, यहाँ पे है नालसोवा, यह है जैसो, यह है रतन महल। सो ये इम्पोर्टेंट सारी क्या हैं, दुल्मकहल। सो ये इम्पोर्टेंट क्या थी, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, गिर लोयन। सो ये इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ गुजरात। सो इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ गुजरात में सबसे पहले हम करते हैं डांडिया। डांडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ गुजरात, गॉट इट। नेक्स्ट वन इज गरबा, देन पढ़र। और एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है टिप्पणी डांस फॉर्म, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। सो अब बात करते हैं गुजरात के से कुछ करंट अफेयर्स, कुछ स्टैटिक जीके वहाँ का। गुजरात का राजकीय पशु है एशियाई शेर, मैंने आपको बता दिया। गुजरात का राजकीय फूल है गलकोटा। गुजरात का राजकीय पेड़ है आम। गुजरात का राजकीय पक्षी है हंसावो। तो गुजरात का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, ठीक है। गुजरात का सबसे बड़ा नगर अहमदाबाद है। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, लाशा, पणिहारी, उसके अलावा जो मैंने अभी बताया उनके अलावा। गुजरात की प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और दमनगंगा। गुजरात अपनी बाउंड्री शेयर करता है, अपनी सीमा शेयर करता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव एंड दादर और नागर हवेली। गुजरात के जो प्रमुख कृषि उत्पादन है कौन कौन सी क्रॉप्स होती है, वो होती है कपास, तंबाकू, मूंगफली, कपड़ा, तेल और साबुन। गुजरात के प्रमुख टूरिज्म स्थल मैंने वैसे बताया आपको, फिर एक बार देख लो, द्वारका, सोमनाथ, पालिताना, तरंगा और गिरनार। और अगर बात करें गुजरात में सबसे ज़्यादा किसका उद्योग है, इंडस्ट्रीज किसकी है, तो पेट्रोल रसायन है, उर्वरक है, वस्त्र है, उद्योग, नमक उत्पादन, ये सब। अब बात करें इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ गुजरात, तो सबसे पहले आता है सोमनाथ टेम्पल, देन आता है द्वारकाधीश टेम्पल जो कि द्वारका में है, स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल जो कि गांधीनगर में है, बाला हनुमान मंदिर जो कि जामनगर में है, रुक्मणी टेम्पल जो कि फिर से द्वारका में है, सन टेम्पल जो कि मोदेरा में है, बलका तीर्थ सोमनाथ मंदिर। अब हम बात करेंगे जो भी गुजरात को लैंड ऑफ लेजेंड बोला जाता है। सो गुजरात के कुछ फेमस लोगों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी पॉलिटिशियन थे, इंदूलाल कन्याईलाल यांगेग वो भी पॉलिटिशियन थे, राइटर और एडिटर, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि लॉयर थे और पॉलिटिशियन थे, विक्रम साराभाई जो कि साइंटिस्ट हैं, और अजीम प्रेम जी जो कि क्या थे, इंडस्ट्रियलिस्ट। और जो हमारे अभी होम मिनिस्टर हैं अमित शाह वो भी गुजरात से ही हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल्स की, मशीनरी की, जो कुछ इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो सबसे पहले टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल मशीनरी की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे, ये पे कच्छ पे है, अहमदाबाद में है, ठीक है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कहाँ पे है, वहाँ पे कच्छ में है, गांधीनगर में है और वडोदरा में है, यहाँ पे राजकोट में भी है, ठीक है। बात करें ऑटोमोबाइल और वैसे ऑटो पार्ट सेक्टर कहाँ पे है, तो वो है कच्छ में, ठीक है, कहाँ पे है, जामनगर में, और कहाँ है, आनंद और वडोदरा, ठीक है। बात करें जर्म्स एंड ज्वेलरी, सबसे ज़्यादा जर्म्स एंड ज्वेलरी कहाँ होती है वहाँ पे, तो वो होती है अहमदाबाद में, जामनगर में और सूरत में, ठीक है। और अगर बात करें आगे फार्मेसी की बात करें वहाँ पे, तो बारूच में, वडोदरा में, नांदियाद में, और हाँ बस यही होती है। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करें तो वो गांधीनगर में मोस्टली होता है, सुरेंद्र नगर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके होगा, जिसके बेस पे मैं क्वेश्चंस भी बनाता हूँ, ठीक है। सो बात करते हैं कैपिटल है, कैपिटल एंड मेजर सिटीज़। सो गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भुज, द्वारका, वडोदरा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं गुजरात फेमस किसके लिए है। सो ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ज्वेलरी, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट,
हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन्स, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है इसकी 1600 किलोमीटर, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया, गल्फ ऑफ खंबात, ओल्डर देन द एंशियंट हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में इसके प्लेसेस हड़प्पा, धोलावीरा बहुत फेमस है। अगर बात करें गुजरात के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उसमें जियोग्राफिकल रीजन में काठीवाड़, सौराष्ट्र, कच्छ, रण ऑफ कच्छ और गुजरात प्लेन, जियोग्राफिकल के हिसाब से चार रीजन में डिवाइड है ये, किस किस में, सौराष्ट्र, कच्छ, रण ऑफ कच्छ, गुजरात प्लेन। रिवर्स में आपको पहले बता चुका हूँ, फिर एक और बार रिवाइज कर लो। साबरमती रिवर है टूवर्ड गल्फ ऑफ कॉम्बे फ्रॉम डेबर लेक, डेबर लेक से बहती है कहाँ की, गल्फ ऑफ कॉम्बे की तरफ। नर्मदा फ्लोज नर्मदा फ्रॉम नर्मदा कुंड से बहती है और कहाँ जाती है, गल्फ ऑफ खंबात। ताप्ती रिवर जो है, तापी रिवर फ्लोज फ्रॉम मुल्तानी, मुल्तानी से बहती है और कहाँ तक जाती है, खंबात से। अगर बात करें कुछ मेजर रीजनल फेस्टिवल्स की, उसमें नवरात्रे, उत्तरायण, भाद्रा पूर्णिमा। अगर मेजर आर्ट्स फॉर्म में करें तो डांस फॉर्म्स में जैसे गरबा और डांडिया रास। अगर बात करें वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की, तो पहले भी बता चुका हूँ, केमिकल फर्टिलाइज़र है, पेट्रोकेमिकल्स है, वहाँ पे फार्मेसीज़ है, और पॉलिस्टर टेक्सटाइल्स है, हैंडीक्राफ्ट्स, कॉटन टेक्सटाइल्स, सीमेंट, वेजिटेबल ऑयल। एग्रीकल्चर में बाजरा, जोवा, राइस, वीट, टेबेको, कॉटन, ग्राउंडनट, लिनसीड, सुगरकेन, कोमिन, इसाबगुल, ठीक है, मैंगोज एंड बनानास। इस वाले पोर्शन से मोस्टली एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, जियोग्राफिकल इंडेक्स में किस किस को जीआई टैग मिला हुआ है गुजरात का। सो वो मिला हुआ है संखेड़ा फर्नीचर को, आगा गेट्स ऑफ कैम्बे, अगेट्स ऑफ कॉम्बे, कच ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तंगालिया सॉल, सॉल है वहाँ का तंगालिया, सूरज जारी क्राफ्ट को, गिर केसर मैंगो को, भालिया वीट को, फिर मिला हुआ है कच्छ साउस को और पटन पटोला। अगर बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो है चंपानर और पेवागढ़, फिर आर्कियोलॉजिकल पार्क रानी की वाट एट पटन, उसको क्या मिला हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है। बायोडाइवर्सिटी में करें तो वेस्टर्न घाट्स, जिसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि साउथ ईस्ट मानसून आ रहा है अभी रिसेंटली। इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी, सो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, गागा बर्ड सेंचुरी, खिजादिया वर्ल्ड सेंचुरी, कच्छ सेंचुरी, पोरबंदर वर्ल्ड सेंचुरी, थोल लेक वर्ल्ड सेंचुरी। नेशनल पार्क की बात करें तो ब्लैकबर्ग, गिर फॉरेस्ट, मेरीन, गल्फ ऑफ कच्छ, वांसदा। सो ये थी इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि हमने गुजरात पे डिस्कस करा सब कुछ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.